माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी देश के अंदर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा की नई नीति और उस नीति के साथ साथ शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक हो, शिक्षा उत्पादक पूर्वक हो, शिक्षा के साथ उसको व्यावसायिक शिक्षा मिले, स्किल मिले, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन के साथ इस देश को नई दिशा देने का काम किया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी समय समय पर विद्यार्थियों के बीच जाना, उनके साथ चर्चा करना और किस तरीके से चर्चा संवाद के साथ उन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास आए, वो चाहे परीक्षा का सवाल हो, चाहे उसकी जीवन के परिवर्तन का सवाल हो। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी हो, एक ऐसी इनोवेशन रिसर्च करने वाली पीढ़ी हो कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान हमारी आने वाली पीढ़ी दे सके। और ये शहरी शिक्षा से नहीं, दूर दराज के गांव में अभाव में रहने वाला किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, उसको भी अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। कोई समय था जब हमारे जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे आजादी के पहले के या आजादी के बाद, उनके जीवन का हम अध्ययन करेंगे तो उन्होंने किस तरीके से अभाव में रहकर, कोई ने लालटेन में पढ़कर, कोई मोमबत्ती में पढ़कर शिक्षा प्राप्त की, वैज्ञानिक बने, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद जी और दुनिया के वैज्ञानिक बनते बनते भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अभाव में, मुसीबतों में, कठिनाइयों के अंदर शिक्षा प्राप्त की और देश का नेतृत्व किया, विश्व के अंदर वैज्ञानिक से लेकर अच्छे शिक्षाविद बने। तो हमारा गांव का बेटा क्यों नहीं देश का नेतृत्व करने वाला बने? और यही मेरे मन में हमेशा विचार रहता है कि बिना शिक्षा के समाज में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हमें एक शिक्षित पीढ़ी बनानी पड़ेगी, एक दीक्षित पीढ़ी बनानी पड़ेगी, हमें स्किल नौजवान की पीढ़ी बनानी पड़ेगी, ताकि गांव में बैठकर भी वह देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। इसलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है कि गांव के अंदर अगर छोटा स्कूल भी है तो उस स्कूल में उस मौलिक सुविधाएं जो एक बड़े विद्यालय में, उस मौलिक सुविधाएं गांव में मिले। और इसीलिए आने वाला 5 साल हमारे इसी प्रयासों से गुजरेगा और मेरा विश्वास है इस 5 साल के अंदर इस कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का हर स्कूल देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कनेक्टिविटी के माध्यम से, उसी को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से कि वह गांव में बैठकर भी देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके, उस सपने को हम पूरा कर सके। और इसी के एक कड़ी है ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जो देश के अंदर अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करता है, जहां पर पढ़ने वाला बच्चा देश और प्रदेश का नेतृत्व करता है। जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालय हैं उसमें आप अध्ययन की गुणवत्ता को देखेंगे, बच्चों के सर्वांगीण विकास की गुणवत्ता को देखेंगे और उनके स्किल के बाद आने वाले समय इस स्कूल के अंदर रिसर्च सेंटर होंगे, साइंस लैब होगी। और यही प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के अंदर बच्चा पढ़ने के साथ साथ
वह इनोवेशन रिसर्च करने की क्षमता उसमें प्रारंभिक जीवन में डेवलप हो जाए और ये विद्यालय उसी दिशा की ओर है जहां पर अभी 500 विद्यालय का एक किराए के भवन पर विद्यालय चलता है। 2015 के अंदर एक छोटा सा नन्ना सा पौधा विद्यालय लगा। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कि नया भवन बनना चाहिए और कई बार जमीनों के कई बार उलझन पैदा हुई। जिला कलेक्टर महोदय से भी हमारा ऑफिस नियमित संपर्क में रहता था। हम किसी की जमीन को नहीं छीनना चाहते। जिसकी जमीन आती है उस जमीन वर्षों से उसकी रहनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी डिस्प्यूट था वह समाधान हुआ और आज 18 करोड़ की लागत से विद्यालय बन रहा है और आने वाले समय इस विद्यालय के अंदर अभी 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जब यह भवन हो जाएगा तो उसके साथ साथ मैं स्वीकृति दिला दूंगा तो 1000 विद्यालय इस बूंदी के केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ने लगे। यहां से बच्चा जब कक्षा 1 में आएगा तो 12th पास करके ही निकलेगा। ये सपना हम देख रहे थे, जो सपना भी अगले साल पूरा होगा और 15 महीने के अंदर भवन बनने के बाद पूरा होगा। क्योंकि ये बच्चा जो 30वीं पढ़ रहा दूसरी पढ़ा वो देखता था मुझे फिर 10th के बाद कहां जाना पड़ेगा। अब उनके अभिभावक भी चिंता करते, अभी मुझे उन्होंने ज्ञापन दिया कि 12वीं तक होना चाहिए। आप चिंता मत करो, भवन बनेगा, भवन के साथ उसमें जो अत्याधुनिक सुविधाएं होगी, साइंस की लैब होगी, कंप्यूटर लैब होगी, जो रिसर्च का जो भी इक्विपमेंट संसाधन होगा देश के अंदर, वह सबसे बेहतरीन रिसर्च इनोवेशन की लैब केंद्रीय विद्यालय संगठन बूंदी में होगी, जो देश के बड़े महानगर में होगी वह बूंदी के अंदर। और उसके साथ साथ खेल का मैदान, खेल के मैदान की गतिविधियां, और इसीलिए यहां पर बच्चा आने वाले समय बैडमिंटन खेले, बास्केटबॉल खेले, कबड्डी खेले, एक खेल के लिए जो भी आवश्यकता है उन संसाधनों को भी यहां डेवलप करने का काम करेंगे ताकि अच्छी शिक्षा, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके साथ व्यावसायिक शिक्षा, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा भी इसके साथ साथ ही जहां केंद्रीय विद्यालय संगठन में अगर ये शुरुआत की होगी तो वह भी शुरुआत यहां कर देंगे ताकि उसका स्किल भी डेवलप हो जाए, ताकि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास का जो सपना हम देखना चाहते हैं, नए भारत विकसित भारत का जो सपना देखना चाहते हैं वो हमारे बच्चों की आंखों में है, उनमें आत्मविश्वास है, उनकी बौद्धिक क्षमता है, इनोवेशन की क्षमता है, रिसर्च की क्षमता है। आप देखते होंगे अब आपके घर में बच्चा कक्षा 1 से कंप्यूटर चलाने लग जाता है, 2 तक मोबाइल चलाने लग जाता है, दादा दादी से मोबाइल छीनने की जिद करता है। कहां जमा हम जब बच्चे को मां बाप भेजते थे जब वह 8 साल का जाता, अब मां बाप भेजते हैं बच्चे को 2.5 साल होते ही, 2 साल होते ही उन्हें कहीं स्कूल भेज दे। मैंने तो कई माता पिताओं को मना किया लेकिन वो मानते नहीं, मां की जिद रहती है, 2-2.5 साल में बच्चे को भेज देते हैं। मैंने कहा उसकी पूरा डेवलपमेंट होने दो, लेकिन माए जो हैं बच्चों के प्रति बड़ी संवेदना रहती है उनकी, और इसीलिए जो चीजें आवश्यकता होगी सारी यहां पर होगी। थोड़ा दूरी जरूर है, उसका भी वैकल्पिक प्रयोग करेंगे कि कुछ बसों का इंतजाम करने का प्लान बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ठीक करने का काम करेंगे। बूंदी में अभी बहुत कुछ करना है, अभी शुरुआत है। हमने बूंदी में सपना देखा था कि इसको हम रात की बूंदी नहीं है, इसलिए 7.5 करोड़ रुपए का पसाड लाइट स्वीकृत हो चुकी है, वो टीम आकर यहां देख चुकी है। आने वाले समय में जो भी
एक पर्यटन डेवलप करने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी, केशवपाटन का भी 70 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है, जल्दी डीपीआर बनकर एक धार्मिक आध्यात्मिक प्रसाद योजना के तहत वो भी डेवलप होगा। हमारी जिले इसको भी फॉरेस्ट एंड विभागों से कुछ अड़चने बहुत होती है, लेकिन उस अड़चनों को भी चुनौतियों के दूर करेंगे और हमारी रामगढ़ विषधारी के अंदर बहुत जल्दी टाइगर आए, ताकि आने वाले समय में बहुत जल्दी है। मैं सोचता हूं कि अगले साल तक हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां से भी अगर ठीक से प्लान हो गया, राज्य सरकार ने अगर ठीक से योजना बना दी, संसाधन डेवलप कर दिए, तो निश्चित रूप से अगले साल तक यहां पर टाइगर छोड़ने का प्लान हमारा है, ताकि यहां पर लोग जंगल देखने आएंगे तो पर्यटन डेवलप होगा, पर्यटन डेवलप होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल्स बनेंगे, लोगों को काम मिलेगा। बूंदी एक आने वाले समय में एग्रीकल्चर स्टार्टअप के रूप में अच्छा बन रहा है, चेतना आई किसानों में। कल मैं जब बुडली से जा रहा था तो मुझे 25 किसान पहली बार जिंदगी में मिले, मुझे आज तक 30 साल की राजनीति में कोई किसान नहीं मिला जिसने कहा कि नई बीज वैरायटी बासमती की आई है और दिल्ली के अंदर 2-3 मार्च को पूसा में मिलने वाली है। मैंने तुरंत दिल्ली बात की, तो दिल्ली बात करी तो उन्होंने कहा कि बूंदी को हमने अलाउ नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए हम कुछ किसानों को वो बीज उपलब्ध करा देंगे, अगर उसकी क्वालिटी जो जैसा किसान बता रहे हैं क्वालिटी अच्छी हुई तो आने वाले समय में यहां की धान अच्छी क्वालिटी की होगी। मुझे अच्छा लगता है किसान में उत्सुकता है, बदलाव का परिवर्तन की जिज्ञासा है, खेती खलिहान के अंदर बदलाव की अभिलाषा है। इसलिए हमने किसान स्टार्टअप मेला कोटा में लगाया था, उसके बदलाव की स्वरूप हम किसानों को देख रहे हैं और मेरा दावा है अगर एग्रीकल्चर के रूप में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला और उत्पादन के बाद सबसे ज्यादा एग्रो इंडस्ट्री लगेगी आने वाले समय के अंदर तो बूंदी में ही लगेगी, आप निश्चित मान, क्योंकि कई लोग मेरे संपर्क में, उनको अभी क्योंकि अभी सोयाबीन की अभी सरसों की ऑयल मिल लगती है, लेकिन अब चावल का ऑयल मिल भी एक शुरू हुआ है और कई लोग कहते हैं कि चावल का ऑयल मिल लगे लेकिन उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा, इसके कारण वो नहीं लगा पा रहे। ऐसे कई चीजों की चर्चाएं चल रही है, निश्चित रूप से आपने हमें जिम्मेदारी दी है, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमें आपने शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया, उसके लिए काम करने का प्रयास करें ताकि बूंदी का एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का युग शुरू हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।